हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. टुडे वी आर गोइंग टू टेक अ प्लेस. बिफोर स्टार्टिंग अ वर्क, नाउ लेट्स स्टार्ट प्लेस. आई निशा रानी कमिट टू अ विजिलेंट एंड वी आर इन माइंड एट ऑल टाइम्स द रिस्क ऑफ माई सेल्फ एंड माई कॉलेजेस फ्रॉम COVID-19. आई प्रोमिस टू टेक ऑल नेसेसरी प्रिकॉशंस दैट प्रिवेंट टू द स्प्रेड ऑफ दिस डेडली वायरस. आई प्रोमिस टू फॉलो एंड इनकरेज अदर्स टू फॉलो द की कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स, टू ऑलवेज वेयर अ मास्क, फेस कवर स्पेशली वेन इन पब्लिक प्लेसेज, टू मेंटेन अ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 6 feet फ्रॉम अदर्स, टू वॉश माई हैंड्स फ्रीक्वेंटली एंड थ्रोली विद सॉप एंड वाटर. टूगेदर वी विल विन दिस फाइट अगेंस्ट COVID-19. नाउ लेट्स ओपन योर चैप्टर नंबर 13, मुहावरे. ठीक है, मुहावरे बच्चे हमने पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के बारे में. अगेन आज हम 13 ही चैप्टर को पढ़ेंगे. ठीक है, इसकी बैक एक्सरसाइज रहती है, वो भी करनी है हमने. ठीक है, मुहावरे क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था किसी वाक्य के साधारण अर्थ को क्या कहते हैं, जिस साधारण अर्थ के का विशेष अर्थ निकलता है. जैसे कि लिखा हुआ है ना, ये एक ऐसे वाक्य जो साधारण अर्थ की जगह विशेष अर्थ देते हैं उसको क्या कहते हैं, मुहावरे. जैसे कि अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा. अब इसका विशेष अर्थ दे रहा है ना ये, तो इससे क्या हुआ, ये क्या हुआ, मुहावरे. इसको हम मुहावरे कहेंगे. वैसे ही इसकी हमने आज बैक एक्सरसाइज करनी है. ठीक है, जो कि मैंने असाइनमेंट में लिखी है. ठीक है, इन मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए. फर्स्ट है आटे में नमक. ठीक है, अब मुहावरा है आटे में नमक. अब इसका विशेष अर्थ क्या बनेगा, बहुत कम. ठीक है, अब इसका साथ में उन्होंने कहा वाक्य बनाएं. ठीक है, हमने वाक्य क्या बनाया है, राम को उसके शरीर के अनुसार खुराक चाहिए, आधा लीटर दूध तो उसके लिए आटे में नमक के बराबर है. मतलब कि राम को जो है उसके शरीर के साथ ही मतलब के अनुसार खुराक चाहिए, मतलब खाने के लिए उतना चाहिए जैसा उसका शरीर है, तो उसके लिए आधा लीटर दूध भी क्या है, बहुत कम है. आटे में नमक के बराबर है मतलब कि बहुत कम है. ठीक है, नेक्स्ट है जूते चाटना, चापलूसी करना. मतलब हम किसी के आगे पीछे घूमते रहते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं हम चापलूसी करना. अफसरों के जूते चाटते चाटते वह थक गया मगर उसे कोई फल ना मिला. ठीक है, इसका हमने वाक्य ये बनाया. ठीक है, नेक्स्ट है चंपत होना, गायब हो जाना. ठीक है, अब चंपत होना, गायब हो जाना, जैसे कि हम कोई भी वाक्य बना सकते हैं, चोर पुलिस को देख के चंपत हो गई, मतलब कि गायब हो गया, कहीं पे लुक गया, या फिर हम कह सकते हैं ऐसे ही. हमने क्या वाक्य बनाया इसका, नौकरी दिलवाने का आश्वासन देकर कंपनी पैसे लेकर चंपत हो गई. मतलब कि नौकरी का झांसा देकर, आश्वासन देकर, मतलब कि उन्होंने कहा था कि नौकरी पर लगवाएंगे, तो वो क्या किया, उन्होंने उससे पैसे लेकर वो चंपत, मतलब कि वो वहां से अपना गायब हो गए. ठीक है, नेक्स्ट है पो फटना, सुबह होना. ठीक है, पो फटना मतलब सुबह होने को कहते हैं. ठीक है, मेरी माँ मुझे परीक्षा आते ही पढ़ने के लिए पो फटते ही उठा देती है, मतलब कि सुबह उठते ही उठा देती है. ठीक है, इसका वाक्य हमने ये बनाया. नेक्स्ट है आपकी एक्सरसाइज, मुहावरे का अर्थ से मिलान कीजिए. अब जिस जो मुहावरे हैं उसका क्या है, हमने मिलान करना है. जैसे कि कान खाना, अब इसका कौन सा बनेगा, बहुत शोर करना. ठीक है, इसका विशेष अर्थ देखना है कौन सा बनता है. आगे दिन फिरना, अच्छे दिन आना. जी चुराना, मेहनत से बचना. उंगली उठाना, आरोप लगाना. ठीक है, हाथ मलना, पछताना. मुंह उतना, उदास होना. ठीक है, हमने ये मिलान किए. नेक्स्ट है इसकी लास्ट एक्सरसाइज, चित्र देखकर उससे मेल खाता कोई मुहावरा लिखिए. अब हमने मुहावरे लिखने हैं. ठीक है, जैसे कि अब दिख रहा है चिकना गड़ा. ठीक है, इन्होंने लिखा, वैसे ही हम इसको देखकर क्या है, क्या इशारा कर रही है, इसका मुहावरा बनाएंगे, आंखें खुलना. ठीक है, मैंने ये मुहावरा बनाया. बाकी आपको जो लगता है कि इसके रिलेटेड जो बना सकते हो बना लेना. ठीक है, आगे है नेक्स्ट, आपको शेप देखो, कान की लग रही है तो हम क्या लिखा है मैंने, कान खाना. ठीक है, मैंने ये वाक्य लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हो. ठीक है, आगे है, आगे देखो शेप उसकी बन गया, होंठ की बनी है तो हमने लिखा, मैंने लिखा होंठ चाटना. ठीक है, नेक्स्ट है, ठीक है उल्लू बना है तो मैंने उसका वाक्य मुहावरा क्या लिखा है, उल्लू बनाना. ठीक है, नेक्स्ट है आग जल रही है तो मैंने क्या लिखा, आग लगाना. ठीक है बच्चे, नाउ मुझे लगता है आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ आया होगा. ठीक है बच्चे, मुहावरों का. ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे.